सो भाई इस कंट्रोवर्सी का एंड होता है नहीं देखते हैं, और इसके बाद एक स्टोरी है तो उसको देखो कि इसमें रजत भाई और एलविश भाई की दोनों की स्टोरी मैं इधर मैं शो करने वाला हूँ। देखो भाई शाम को मिल रहे हैं, शाम का अपना सीन है मिलने का, देखते हैं वहाँ क्या होता। और भाई कह रहे हैं कि वे दो जने आ रहे हैं, टू सीटर में आ रहे हो क्या? जो दो जने आ रहे हो बड़ी में आओ, हम तो बड़ी में आ रहे हैं पर उसमें भी दो तीन जने आ रहे। तो आपने देखी कि दोनों मिलने वाले हैं अब, तो अब क्या मैटर होता है ये मेरे को भी नहीं पता। तो ये लाइव आने वाले हैं दोनों, तो एल्विश की ये स्टोरी चेक करो, यहाँ पे लिखा है कि आधे घंटे बाद लाइव, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आपको शो हो रहा होगा। और इसमें देखते हैं कि क्या मैटर बनता है क्या मैटर नहीं बनता, फिर मैं उस बेस पे फिर आपसे ना फैक्ट वाली बात करूँगा पूरी। हाँ जी, तो ये लोग लाइव आ चुके हैं और इसकी मैंने पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की है, तो आप देखो ये वीडियो शाम की है क्योंकि शाम में ही आए थे ये लाइव। ये मैक्स चंद की घर के अंदर की वीडियो है जो कि एल्विश को रजत भाई ने बुलाया था इनवाइट करने के लिए कि बैठ के बात करें और कॉम्प्रोमाइज हो जाए, और जो कि हो चुकी है। तो इसके बाद मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, पहले आप ये वीडियो देखो। रुको बस, ये ड्रामा, अरे क्यों हटाना है इसके सारे, तो मैं रखूंगा। तो ये बहुत अजीब लग रहा है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है। इनवाइट आया हुआ, आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। 0.530 में फटेगा ये, इनवाइट करा है मैंने। अरे नाम क्या था तेरा यार? मैक्सट्रॉन। मैक्सट्रॉन, अच्छा मेरे को क्या लग रहा है? मैक्सट्रॉन है, अल्ट्रॉन। मैं ऑनलाइन तो आ जाऊं, कौन सी चौक है? वाह, करो तो इसमें है, इसमें तो ना रहा ऑप्शन। अरे बहन छोड़, ये कैसे मिल रहा है? रिक्वेस्ट नहीं है ना, फॉलो कर रखा है। हां ये यहां से फॉलो कर लिया ना, सेंड रिक्वेस्ट है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट? अरे एक्सेप्ट कर तो लिया, माइक बंद कर दो आप अपना। अरे माइक बंद करो, माइक बंद करो। मैट्रिक्स जॉइन, ठीक है मेरा चल। भाई अपना एक बार प्लीज स्पेस दे दो सर, भाई क्लोज हो बहुत सा। क्लोज तो है, अरे एक्सेप्ट आ रहा नहीं यार, तो मैक्स टर्न आया। हां मैंने कैमरा बंद कर दिया अपना, अच्छा थोड़ा डिले है इसमें। ये कौन सा फोन है? मेरा आ गया, आ गया ना। हां आ गया, ये इंस्टाग्राम की चाहिए, इंस्टाग्राम वो ऐप बंद करके दोबारा कर दो। भाई सही में ना बस लाइव के टाइम पे ना थोड़ा सा स्पेस दे देना ताकि बात थोड़ी हिसाब से हो जाए। हां सेंड रिक्वेस्ट, अब देखो रिक्वेस्ट में आया आया, आपने फॉलो कर रखा है? हां आया, तो इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है। एक्सेप्ट, माइक आ गया ना, आ गया, चलो माइक। भाई इन सबको ना फोनों को साइड कर दो, वो भी बंद कर दिया मैंने। भैया अभी किसी का दूसरा माइक ऑन है, थोड़ा सा स्पेस सुनो, वरना उड़ा जाऊंगा माइक। माइक नहीं, स्पीकर का वाला जो रिपीट होगा। हां हां क्योंकि ना बोलते टाइम फिर दिक्कत होगी, एक बारी सबको आने दो, बैठो तेज बोलना गाइस, रिकॉर्ड टूट रहा है आज लाइव का। बैठो हां भाई, तेरा नाम भाई, एक नाम सुधार रखना उसका। क्या लगा इस, आ जाओ पीछे, चलो चलो। तो सिस्टम भाई थोड़ा बिना सिस्टम के हैं फिलहाल, अभी हो गई है पॉजिटिव नोट पे बात, दो लोगों की बात थी, अभी ये दोनों खुद से बात करेंगे, देख लेने।
भाई जो भी हुआ, जो आपने सारी वीडियोस वगैरह देखी होंगी, थोड़े इधर आजा भाई फ्रेम में, सारी चीज देखी होंगी हमारी जो भी बात थी गर्मा गर्मी में, चाहे भाई ने जो भी बात मेरे को बोली उसके चक्कर में मैं गया, और जो भी हमारी लड़ाई लड़ाई हुई वो अब सारी भाई अपनी तरफ से क्लियर है। एक बार भाई तुम और बता दो, फिजिकली सोशली कोई कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें? मैं तो लड़ता हूं, मैं तो हम कौन से लड़ते फिरते घूमते हैं भाई, हम भी सही रहते हैं भाई, अपना खत्म। तो बात क्या है भाई, ऑलमोस्ट सारे समाज के बंदे यहाँ पे हैं, एक छोटी सी गुजारिश है सबसे, चूतिया मत बनो और आपस में मत लड़ो। कोई बहन तो हल्की सी चिंगारी मारता है, सबकी सुलग जाती है और तुम आपस में गुथने लग जाते हो। सारे भाई मिलके एकजुट रहो। नितिन भाई, भाई प्यार मोहब्बत से रहो, सारे एक साथ हैं तो वही एक हमारी पावर है, और आपस में लड़ोगे तो कल को कोई कहीं भी रपटा जाएगा आपको, तो प्यार मोहब्बत बनाए रखो, सबसे बड़ी बात यही है। दूसरी चीज, सामने से अगर मैंने आके बात रखी है तो सीधी चीज है, एल्विस भाई के पार्ट पे, तेरा नाम क्या था? सागर ठाकुर। सागर, कंफ्यूजिंग है थोड़ा, इसको फिजिकली मेंटली सोशली फाइनेंशियली किसी हिसाब की प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर होती है तो एल्विस भाई बहुत अच्छे से समझते हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस गलत जा सकते हैं। दंसी ने बिल्कुल, तो अब इस चीज को पॉजिटिव नोट पे करते हैं या खत्म। जय राम जी की भाई। हाँ जी भाई, राम राम, क्या हाल चाल, कैसे हो? आइए आप करो, शुरू करता हूँ, शीशे खोल लू तो भाई सब कुछ हो गया इजीली। आओ जल्दी जल्दी, तो मेरे बहुत से भाई बहुत कुछ अलग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लड़ाई करेंगे ऐसा कुछ करेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत ही प्यारा सा और शांति से सब कुछ खत्म हुआ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आइए आइए आइए। एकदम मैं प्रोसेस नहीं कर पा रहा, टेंशन नहीं दिया चक्कर। तो मेरे बहुत से भाई कल से बहुत कुछ कमेंट कर रहे थे, देखो अच्छी बात नहीं थी, वो लड़ाई होती है, सबकी होती है, आपकी भी होती है, मेरी भी होती है, बट मेन होती है कि वो लड़ाई सॉल्व कैसे करें और बात को खत्म कैसे करें, क्योंकि रात भर नींद नहीं आती भाई जब भी लड़ाई होती है। तो अभी आए हैं दोनों भाई, लीजिए। तो थोड़ा देखो सीधी चीज रखते हैं, थोड़ा दिमाग थोड़ा खोलना और थोड़ा समझना। एक बहुत छोटा सा मूव, हमारी भी विचारधारा कुछ अलग है, आपकी थोड़ी अलग है, सबकी थोड़ी अलग होती है। अगर चलो मेरे हाथ से कुछ गलत होता जिससे लोगों को चाहे इंटरटेनमेंट मिलता, मजा आता, पर वो छोटी सी चीज कन्वर्ट हो जाती दो जातियों के बीच में। अब कोई मैं जाट समाज से हूं, भाई गुजर समाज से हैं, एल्विस भाई राव साहब है हमारे, हम तीन लोगों की वजह से तीनों समाज लड़ने लग जाते हैं। ये एक टाइम है कि सब एक चीज रियलाइज कर ले कि मिलजुल के रहेंगे तो बहुत मजबूत है, और भाई देखो लड़ाई झगड़ा करना है तो 4-5 हजार रुपए की पिस्टल विस्टल आती है, चला देना कहीं अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो, पर बाद में झेलने का ब्योत होना चाहिए। बहुत अच्छे हिसाब से बात हुई है, पहली बार ही मिला था मैं एल्विस भाई से, इससे पहले मैं कभी मिला नहीं, बहुत अच्छे हिसाब से बातचीत रखी गई, तो हमने हमारे पार्टी की बात रख दी। इससे ज्यादा अच्छे से और हो क्या सकता है कि अगर आपकी बात रख रहा है सामने वाला और आप उसकी रख रहे हो, तो उस चीज की थोड़ी इज्जत रखना। हमने एक ही समाज में रहना है, ऊपर वाला ना करे कल को कोई दिक्कत आएगी ना, तब एक साथ मिलके ही खड़े होना पड़ेगा। ये जब तक मजाक मस्ती चल रही है तब तक चल रही है, मेहरबानी होगी थोड़ा मौज मस्ती वाले फैक्टर को मौज मस्ती में रखो, उसे ऐसा मत बनने दो जिससे ना हम सारे हिंदू भाई आपस में लड़ते रहे, क्योंकि ये चीज थोड़ी गलत हो जाती है। मैं कुछ बोलना नहीं चाहूंगा आगे, छोटी सी चीज कुछ होती है हम आपस में लड़ने लग जाते हैं, पॉइंट नहीं है उसका कुछ में। एक आध क्वेश्चन कोई पूछ रहा हूं तो दे लो आंसर। भाई पढ़ाई करो, वो सबसे बेस्ट है, लड़ाई वड़ाई में कुछ
कल दे रहा तो हमेशा ही पढ़ाई 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 से भी कुछ नहीं होता आजकल वैसे ये तो लगवा था पढ़ाई से भी कुछ नहीं होता बट मैं ये लड़ाई उड़ाई में कुछ नहीं रखा बहुत प्यार से रहो सारे भाई साथ रहेंगे तो अच्छा लगता है कि भाई अच्छा काम कर रहा है तो उसके साथ अच्छा करो आप भी ठीक है लड़ाई हो जाती है कोई बात नहीं यार घर घर में होती है भाई भाइयों की होती है वो तो हीट ऑफ द मोमेंट होता है कि गुस्सा बुरी से कंट्रोल नहीं होता भाई मिलजुल के रहो हम तो यही कहना चाहेंगे कल को तुम्हारे साथ कोई दिक्कत हो तब भी हम खड़े दिखे हमारे साथ कोई दिक्कत होगी तो हम झेल लेंगे उसकी कोई दिक्कत नहीं तो साथ सबका चाहिए होता है सबको तो प्यार मोहब्बत से रहो आप लोगों से यही बोलना और आप लोग बाकी सब समझदार हो मैं तो लड़ाई में पहले भी करता था बट अब लड़ाई वड़ाई में नहीं करनी चाहिए हाँ लड़ाई हो भी तो उसमें भी हम किसी अब भी कर लेते हैं पर सामने वाला प्रॉब्लम दे तो प्रॉब्लम कोई नहीं देता अभी देखो अगर लड़ने का सीन होता तो हम दो मेरा बहुत होते आप लोगों ने एक चीज देखी होगी कल से मैंने कोई चीज नहीं डाली क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकले और उसका फिर मेरा दूसरा रूप बाहर आया तो मैंने कहा ठीक है शांति से सब कुछ देखते हैं और वही हुआ किसी भाई ने मुझे गलत नहीं बोला मैंने किसी को गलत नहीं बोला और साथ में खत्म हुआ सब बहुत सारे लोग यार कॉमन है बीच में शर्म रखनी पड़ती है और कोई किसी ने पाप नहीं करे एल्विस ने चलो उस भाई में मार दिया हाथ पैर छोड़ दिया हम होते तो हम हाथ पैर भी तोड़ देते तो वो कोई दिक्कत हाँ, नहीं एक चीज मैं होता हूँ शायद उस भाई की जगह हम होते हमारा एक काम है वो है कि लड़ाई होगी तो लड़ाई अच्छे से करते हैं शायद दो की जगह कुछ ज्यादा हो जाती बट वही है हुआ हुआ जैसे हुआ जो भी हुआ तो खुश रहो खाते पीते रहो देखो एक ना सिंपल चीज है थोड़ा सीधा बोल देता हूँ अगर किसी मेल ने किसी आदमी ने पिछले 10-15 साल मेहनत करके एक सर्कल बनाया है और कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं तो वो ऑब्वियसली बात है उसको अपने एक एसेट के तौर पे यूज करे सोशल मीडिया तक बातें रहती है ना जब तक ठीक है जब ऑन ग्राउंड बेसिस पे चीजें आती है तो सोशल मीडिया नहीं होता जो मजबूत होता है वो ओवरटेक कर जाता है जो हो गया सो हो गया जिन दो लोगों की दिक्कतें थी वो सही हो गई है इस चीज पे तुम्हें खुश होना चाहिए इस चीज पे गम नहीं मचाना चाहिए कि भाई इंटरटेनमेंट की बात चुकी लड़ाई होती गोलियां चलती हाथ पैर टूटते एंड में कहीं ना कहीं आके ये चीज तुम महसूस करते आज नहीं तो कल कि हम आपस में ही लड़ रहे हैं तो आपस में एकता बना के चलो इतना बहुत है आज के लिए सब अपना ध्यान रखो तो गाइस आपने ये वीडियो देख लोगी पूरी ये पूरी वीडियो है पूरी स्टार्टिंग से एंड का कहीं आपको मिले ना मिले पर मेरी इस वीडियो में आपको ये पूरी लाइव वीडियो इनकी मिलेगी एल्विश की ठीक है तो मैंने आपको दिखा दी ये एकदम ओरिजिनल वीडियो है प्रॉपर तो कॉम्प्रोमाइज हो गई है और इसमें नितिन भाई भी आए थे जो बॉडी बिल्डर है इंडिया के जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो भी आए थे और रजत भाई भी आए थे तो इन दोनों ने बिल्कुल मैच्योरिटी से कॉम्प्रो करवा दिया तो मैंने उस वीडियो में भी आपको बोला था कि जो बंदा मैच्योर होता है ना वो भाईचारे में आराम से बिठा कर समझाता है और जो बच्चे होते हैं ना वो लोग लड़ते हैं जो एल्विस के दोस्तों ने एल्विस के साथ करा वो फेम लूट रहे थे वो अभी भी फेम लूटेंगे पर अब ये कॉन्ट्रोवर्सी एंड हो चुकी है जो कि एक स्क्रीनशॉट आ रहा होगा यहाँ पे एल्विस और मैक्सन की साथ में एल्विस ने अपनी आईडी में अपलोड किया है इसको टैग किया है और मैक्सन को फॉलो भी किया है और मैक्सन ने फॉलो बैक किया है और रजत भाई ने भी एल्विस को फॉलो बैक दिया है और रजत भाई के फॉलोवर गेन हुए हैं 200K आज एक दिन में क्योंकि एल्विस का सपोर्ट था साथ में बॉन्डिंग बन चुकी है अब हो सकते हैं कि एल्विस और मैक्सन और रजत भाई कभी आपको देखने को मिले इसी ब्लॉग में मेरे भी उनके मतलब एल्विस के ब्लॉग में देखने को आपको मिल सकता है भाई हमें भी श्योर नहीं है क्योंकि अब देखो बॉन्डिंग अच्छी बन चुकी है और इसी वीडियो में ना मैक्सन ने बोला भी था कि ये मैंने किसी के बहकावे में आके करा कि मेरे को किसी ने ना उकसाया था मतलब ऐसा करने के लिए तो मेरा माइंड वॉश हो गया था ऐसा सा उसने वीडियो में बोला है और मैंने आपको उस दिन भी वीडियो में बोला था कि इसमें इसका भी हाथ तो है और इसके पीछे किसी और बंदे का हाथ है तो इनकी पूरी टीम है तो नाम तो उसने उस वीडियो में नहीं लिया एल्विस ने बोला था कि नाम अभी नाम मत लो तो नाम पता लग गया उनको कि कौन बंदा है तो अब देखते हैं कि बाद में भी क्या होगा क्योंकि
जो मेन बंदा था ना, मेन बंदा जो ये गेम खिलवा रहा था मैक्सन को अपने काबू करके, जो ऐसा ऐसा गेम खिलवा रहा था, उस बंदे का नाम तो इन्होंने नहीं लिया, क्योंकि एल्विस ने उसको साफ साफ बोल दिया था कि नाम मत लो, ऐसा अच्छा नहीं है, क्योंकि ये नाम आगे तक जाएगा तो अभी अच्छा नहीं है, अभी बाद में लेंगे तो बाद में शायद इसका ना एक्सपोज होगा उस बंदे का। बहुत सारे बंदे हैं वो, और तो देखो क्या होता है ना, मैक्सन ने गलती तो की थी, मैक्सन ने बोला है कि मेरे से गलती हुई है, तो अब मैं उस चीज के लिए सॉरी बोल रहा हूँ। और क्योंकि ये बात अगर ज्यादा आगे जाएगी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों की इमेज ना खराब हो रही थी, वो चीज भी ठीक नहीं है। तो देर से सही पर समझ आया मैक्सन को कि किसी को इतना पोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगले की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं ये आपको नहीं पता, तो इसलिए अपना देखो और सुखी रहो और कमाओ पैसा। पर मैक्सन को ना चाहिए था फेम, और मैक्सन को चाहिए था कि एल्विस का करियर में खा जाऊं और उसको कर दूं डाउन। मैंने उस दिन भी वीडियो में बोला था कि ये सारे बंदे चाह रहे हैं कि यूट्यूब कॉमेंट्री से ना इसको कर देंगे बाहर, हम ऊपर आ जाएंगे, इसका नाम नीचे। तो मैंने उस दिन भी एक चीज बोली थी कि भगवान के हाथ में सब कुछ होता है, जो भगवान जी बोलेंगे वही होगा, और जो उन्होंने लिख दिया वही होगा। तो किसी का आप हक का नहीं खा सकते, और ना आपको ऊपर वाला खाने देगा, सिंपल सी बात। तो रजत भाई फाइनली चलो एल्विस से मिल चुके हैं, क्योंकि एक नया बंदा एक नए बंदे से मिला है, और दोनों एक ही कम्युनिटी के हैं, है तो हिंदू, पर तो उनकी ना कम्युनिटी मतलब वो ना दोनों जाट है, तो इसलिए वो चीज है। तो हम भी हिंदू भाई, पर जैसे मैं पहाड़ी हूँ और वो वैसे है, तो ये चीज। चलो भाई कंट्रोवर्सी एंड, और इस कंट्रोवर्सी में बहुत बंदों ने आग सेका है फॉलोअर्स का। हमने फैक्ट के ऊपर बात की है, हमने किसी के लिए गलत नहीं बोला, जिसने गलती की थी उसके लिए तो भाई बोला था गलत, तो ठीक है। तुम्हारे भाई ने देखो फैक्ट एकदम दिया है प्रॉपर अभी से अब तक, तो ठीक है। तो ये वीडियो अपलोड होगी कल, आज नहीं, क्योंकि आज ऑलरेडी एक अपलोड हो चुकी है, और मुझे पता है कि मेरे से पहले बंदे डाल देंगे तो उससे फर्क नहीं पड़ता। जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो चीज वो अपनी वीडियो में नहीं बोल सकते, क्योंकि सबका नजरिया अलग होता है बोलने का, देखने का और समझने का, मेरा अलग है उनका अलग है, क्योंकि हर इंसान सेम नहीं है। सबके दिमाग अगर सेम हो जाएंगे ना तो ये दुनिया यूं हो जाएगी तो इसलिए सबके दिमाग अलग अलग है, और अच्छा भी है। तो चलो भाई ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो इतनी थी, और एक कंट्रोवर्सी एंड हुई फाइनली, क्योंकि बहुत बवाल हो रहा था भाई इंटरनेट पे, कसम से, मतलब टॉप ट्रेंडिंग यही था, पूरे यूट्यूब में कॉन्टेंट यही था यही, और सब गलत 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 दिखा रहे हैं भाई, कोई अच्छा ही नहीं बोल रहा। एटलीस्ट सपोर्ट करो, और मैंने उस दिन बोला था कि एल्विस को सपोर्ट करो, उसकी गलती नहीं है, गलती मैक्सन की है, क्योंकि उसी ने धमकी दी थी उसके घर वालों को कि मैं ऐसा मतलब कर दूंगा, पर फिर भी उस दिन गाली दे रहे थे बंदे एल्विस को, और आज क्या कह रहे हैं कि सॉरी भाई ये हमसे गलती हो गई। मैंने बोला था ना उस दिन, ये ऑडियंस पलटू है, कभी हाँ तो कभी हाँ, तो भाई आप पहले दोनों की स्टोरी समझा करो तब जाके फैसला लो, ठीक है भाई। तो लाइक से सब्सक्राइब, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो इतनी है, और लाइक करके जाना जरूर, और कमेंट भी करना, और कैसा लगा आपको जो मैंने आपको समझाया है बोला है तो वो भी लिखना। चलो ठीक है, बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो भाई बाय।